चने के दाल के साथ परवल का मैं आज एक अलग तरह का रेसिपी बनाई हूँ। वेलकम बैक टू माय किचन। मैं नंदिनी, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं क्या नया रेसिपी शेयर करूँ जो आप लोगों को अच्छा लगे, कुछ यूनिक सा लगे। तो उसके लिए मैं आज कुछ अलग सा ही परवल का सब्जी आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। परवल लेके अच्छे से साफ़ करके धो लेंगे, उसके बाद ऊपर से हम छिलका ऐसे ही उसको चाकू के हेल्प से निकाल देंगे। पूरे उसका छिलका को काटना नहीं है हमें, और दोनों साइड का उसका मुंडी निकाल के हम उसको दो टुकड़े में बीच से निकाल देंगे, और बीच से चाकू के हेल्प से या चम्मच के हेल्प से ये पोर्शन भी हम निकाल देंगे। अगर बीज सॉफ्ट है तो हम उसको यूज़ करेंगे, और अगर बीज उसका पका हुआ है या फिर हार्ड रहता है जैसे ये वाले परवल का है तो उसको हम अलग कर देंगे। और सारे परवल को मैं इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। मैं हमेशा फटाफट और हेल्दी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और ये देखिए, ये परवल का जो बीज है ना, ये सॉफ्ट वाला बीज है, इसको हम यूज़ करेंगे। उसका जो हार्ड बीज रहता है, जो पका हुआ रहता है, उसको हम साइड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं इसको यूज़ करना तो आप कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं सारे परवल को ऐसे दो दो टुकड़े में करके उसका बीज का पोर्शन निकाल दी हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। रेड बेल बटन को क्लिक करके हेल्दी और फटाफट बनने वाला रेसिपी अपलोड करती हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, आप देखें, घर में बनाएं और सबको खिलाएं। तो यहाँ पे मैं ली हूँ ये चने का दाल। 3 घंटे से मैं भिगो के रखी हूँ चने का दाल को। ग्राइंडर जार में मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, और इसके साथ मैं 2 कली लहसुन और थोड़ा सा हरी मिर्च, 2-3 हरी मिर्च और धनिया पत्ता और थोड़ा अदरक, ये सारे को मैं इसमें ग्राइंड कर लूँगी। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी ये परवल का जो बीज हम निकाले थे बीच में से, जो सॉफ्ट वाला है उसको। और इसमें थोड़ा सा मैं पनीर का 2 पीस, छोटा छोटा पीस इसमें डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे इसके साथ। ये ग्राइंड हो चुका है, नमक ऐड करके हम इसको इसके परवल के जो बीच में हम 2 टुकड़े किए हैं इसके अंदर हम इसको स्टफ़ करेंगे। ये दाल वाला भी हमारा रेडी हो चुका है, नमक इसमें ऐड कर दी, और यहाँ पे हम उसको अच्छे से टाइट करके उसमें स्टफ़ करेंगे। सारे परवल को मैं इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ, और जो बाकी चने का दाल भी उसमें से अगर बच जाता है तो उसको भी हम क्या यूज़ करेंगे वो मैं आगे दिखाती हूँ आपको। सारे को थोड़ा सा टाइट करेंगे इसको, चने का दाल को बहुत ज़्यादा गीला भी हम नहीं करेंगे, और बहुत एकदम फाइन भी हम इसका पेस्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे पैन में मैं ली हूँ थोड़ा सा तेल, और उसमें मैं इसको उल्टा करके पहले उसको एक साइड से भून लूँगी, और एक साइड होने के बाद मैं इसको फिर उल्टा करके दूसरे साइड से, जो ग्रीन वाला साइड है उस साइड से भी मैं इसको पका लूँगी। यानी कि परवल हमारा इसी में पकेगा। तो तेल चाहिए एक्स्ट्रा तो आप इसमें डाल सकते हैं, इसको कवर कर देते हैं ताकि ये पक जाए। इसमें इस वाले पैन को मैं कवर करके एक साइड चूल्हे पे रख देती हूँ, और एक कढ़ाई में ले लेती हूँ। इसमें हम तरी बनाएंगे सब्जी का, तब तक हमारा परवल पक जाएगा। तरी के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेल ली हूँ कढ़ाई में, जीरा का छौंक डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला, जैसे बड़ी इलायची को मैं निकाल दी हूँ उसका छिलका, और दालचीनी, लौंग, चक्री फूल का छोटा छोटा पीस हो गया है मेरा वो डाली हूँ, और तेज़पत्ता, इतने को मैं इसमें भून लूँगी। और थोड़ा सा इसमें मैं लहसुन को कूट के डाली हूँ, इसमें छोटा सा कद्दूकस करके मैं अदरक भी डाली हूँ। और ये सारा भून जाने के बाद छोटा छोटा काट के ये प्याज रखी थी मैं, उसको मैं ऐड कर दूँगी। 2 प्याज है इसमें, इसको हम अच्छी तरह से प्याज में कलर आने तक इसको भून लेंगे। प्याज हल्का गुलाबी होके सॉफ्ट हो गया है, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टमाटो, छोटा छोटा वो भी काट लेंगे हम, और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको टमाटो को गलने तक इसको इंतज़ार करेंगे। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये चने का दाल का जो पेस्ट बनाई थी, थोड़ा सा ज़्यादा ही चने का दाल मैं ग्राइंड की थी जान के, ताकि मैं इसको तरी में यूज़ करूँ। यहाँ पे उसको हम भून लेंगे तो उसका सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसमें नमक, हल्दी और मसाले में, सूखे मसाले में मैं डाली हूँ ये धनिया, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मीट मसाला, और थोड़ा सा इसमें डाली हूँ मैं बिरयानी मसाला। बहुत ज़्यादा मात्रा में बिरयानी मसाला नहीं डालेंगे, नहीं तो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा आएगा और ये टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा।
यहाँ पर मैं ऐड की हूँ गर्म पानी। गर्म पानी डालने से इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट सही रहता है, वरना ये ठंडा पानी डालने से इसका मसाले का फ्लेवर चेंज हो जाता है। और यहाँ पे परवल भी मेरा देखिए अच्छा से हो गया है, दोनों साइड में ये पक चुका है। और यहाँ पे मैं परवल को ऐड करूँगी। परवल ऐड करने के बाद हम इसको चलाएंगे नहीं, बॉयल आने तक का इंतज़ार करेंगे। अच्छे से बॉयल हो जाने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक बड़ा स्पून घर का मलाई। आप चाहें तो मार्केट का क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और हमारा तैयार हो जाएगा परवल और चने के दाल का सब्जी। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी हुआ है। आप चाहें तो ऊपर से इसका गरम मसाला दे सकते हैं और धनिया पत्ता डाल सकते हैं। आज का रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मैं कुछ नया लेके आऊँगी आपके लिए। बाय।